अगली कॉलर है हमारे साथ देहरादून से, कावेरी जी, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते मैम, और जी नमस्कार मैम। नमस्ते सर, कैसे हैं सर? बस देखिए, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आपका थैंक स्वागत हो रहा है। यू। जी सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि सबको सुन के बहुत अच्छा लगता है, चंद्रा मैम को, आपको, व्यूअर्स को, क्योंकि व्यूअर्स भी बहुत सरल सीधे, जैसे उनमें से एक सभी अच्छे हैं पर दयावती जी हैं, मतलब सभी लोग अपनी अपनी बात रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इतने अलग 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 भाषाओं में, अलग अलग उसमें मीन्स अपने वे में बात करते हैं, सुन के बहुत तसल्ली, बहुत नॉलेज बढ़ती है व्यूअर्स को सुन के। हम तो उनमें से एक हैं, लेकिन मैं सुनती हूँ बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा लगता है प्रोग्राम में। और मैं पहले भी फीडबैक देख चुकी हूँ, मेरी पूरी फैमिली को फायदा हो रहा है। मेरे हस्बैंड को नजला है और ये बवासीर थी पूरी, उसमें काफी फायदा है, 50% से ज्यादा फायदा है। पैरों में स्वेलिंग थी वो तो चली गई। मेरे बेटे को नाक की ग्लैंड का ऑपरेशन बता दिया था, मैंने पहले भी बताया, वो भी बिल्कुल लगभग ठीक ही हो रहा है, 2 महीने से खा रहा है, और सबको इतना फायदा हो रहा है। आई एम वेरी सरप्राइज कि 2-3 दिन पहले कुछ हुआ कि मेरा डॉग है, घर में लेब्रा पाला हुआ है ना, तो उसके चोट लग गई। मैंने पहले आपको एक बार सुना था कि कुत्ते की खांसी ठीक हो गई, तो डॉग लेब्रा पीछे रात को पता नहीं कैसे वो स्लिप हो गया, बारिश में क्या हुआ, बहुत तेज भागता है, बहुत एक्टिव है, और वो कहाँ गिर गया, क्या हुआ, उसके पीछे का हिस्सा उठ नहीं रहा था। अब मैं सुबह देख के उसको घबरा गई कि ये पैरालिसिस हो गया, उसे क्या हुआ, बहुत प्यार करती हूँ उसको, और सड़क भी देख के, तो वो हिल ही नहीं रहा था, पीछे थोड़ा थोड़ा हिला रहा था अपना पीछे का हिस्सा। मैंने उसको क्या किया, दूध में हल्दी दी और बोन चिलगोजा डाल के उसको पिला दिया, और उसको 2 बार दिया। अगले दिन उसको बोन मोरिंगा दिया, दूध में हल्दी डाल के दी, और वो बिल्कुल चंगा हो गया है। वो तो सरप्राइज कि उसको डॉक्टर के पास नहीं ले गए, और गर्मी में ठीक हो गया, अब इतना तेज भागता है कुछ मत पूछिए। मतलब 2 दिन उसको ठीक हो गया और एक दिन मोरिंगा भी दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसको क्या दूं, मुझे लग रहा है इसकी एनर्जी कुछ बूस्ट अप होनी चाहिए। दिमाग चलाया, बस ये 2 चीजें दे दी, अब मुझे नहीं पता क्या देना था, बट ही इज नाउ ऑल राइट। अब दो मेरे क्वेश्चन भी हैं साथ में, कि अगर प्यास कम लगती है, मुझे मुझे शुरू से ही बहुत कम लगती है, अब तो मैं ध्यान से पीती हूँ आप जैसे बताते हैं, तो एलोपैथिक जो मेडिसिन है, मेरी बीपी की सुगर की एक गोली चपती है, तो क्या मैं जैसे जैतून का या फिर लेती हूँ लिक्विड में तो ज्यादा, उससे मैं ये गोलियां उसके साथ खा सकती हूँ क्या? सिंपल पानी पीना थोड़ा सा, मुझे पता नहीं क्यों पिया नहीं जाता, चाय के साथ तो खा नहीं सकती, दूध में पीती नहीं। सेकंड क्वेश्चन इज कि आप लाजवंती के साथ कई बार यूरिन बार बार जाने का जो नुस्खा है उसमें आप चिलगोजा का घोल बताते हैं। एक दो बार मैंने सुना है कि अलसी लाजवंती और नमक जैतून भी आप बताते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, या दोनों एक ही काम करेंगे, या किस कंडीशन में लाजवंती के साथ चिलगोजे का घोल लेना चाहिए, और किस कंडीशन में अलसी लाजवंती और नमक जैतून लेना चाहिए बार बार यूरिन जाने के लिए? बस ये दो क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को सुन के। मैं क्या दुआ दूं, मैं हमेशा दुआ करती हूँ दिल से, बस दुआ पहुंचनी चाहिए, कहने के लिए समय खराब होता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूंगी, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए प्लीज। जी कहाँ से शुरू करूँ, इतनी अच्छी बातचीत आपकी, बिल्कुल सजी हुई, एक एक लफ्ज़ जैसे टांग दिया हो, जैसे वो जरदोजी का काम होता है ना, आप ऐसी बात करती हैं कि एक सादे दुपट्टे पे जब जरदोजी का काम होता है तो वो फिर वो इतना कीमती हो जाता है, जर्री हो जाता है। भगवान आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जी और कुछ ही लोग हैं जिनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, जो लोग जानवरों को भी इतनी मोहब्बत करते हैं वो कितने अजीब लोग होंगे। और मैं हाँ अक्सर कहता था कि डॉगी की या जानवरों की दवाई भी आदमियों की दवाई जैसी ही होती है, लेकिन उसकी पोटेंसी दुगनी होती है, तो आपने उसकी पोटेंसी देकर ज़्यादा, और ये अदा आपको भगवान ने बहुत पसंद की होगी कि ये कितनी मोहब्बत करती है जानवर से और उसको दवा दी, तो ये दवा ने भी ठीक नहीं किया, आपकी मोहब्बत
मोहब्बत ने, आपकी अदा ने, और भगवान ने उसको कबूल कर लिया होगा। आपको बहुत मुबारक, आपका डॉगी अच्छा हो गया, लेकिन इसमें मेरी दवा का कोई दखल नहीं, शायद आपकी मोहब्बत का दखल है। बहरहाल हम अपने जानवरों को ही दवाएं दे सकते हैं दोगुनी क्वांटिटी में, अगर कभी देनी पड़े तो। और वो जो आपने सवाल किया है अलसी या उसमें क्या फ़र्क है, देखिए अलसी के साथ जब हम ये देते हैं गोंद चिलगोज़ा, तो जिनको किडनी में गंदगी ज़्यादा होती है जिसे क्रिएटिनिन कहते हैं, तो उसके साथ दिया जाता है। और भी कई वजह से देते हैं, लेकिन मैं आसान वजह बता रहा हूँ कि ये किडनी के गंदगी को साफ़ करती है, खून को साफ़ करती है, और उसको मजबूर करती है कि वो अपना काम अच्छा करे। और जिन लोगों को पेशाब बार बार आता है और बर्दाश्त नहीं होता, ज़रा सा भी आता है तो भागते हैं और कतरा निकल जाता है, ड्रॉप निकल जाता है, तो गोंद चिलगोज़ा उनको लाजवंती के साथ देते हैं। लेकिन यही सब ख़त्म नहीं है, और भी सैकड़ों बीमारियों में तरह तरह से देते हैं। और जैसा सवाल आता है मैं ऐसा जवाब दे देता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही रोग अच्छा होता है या एक ही रोग के लिए देते हैं, ये सैकड़ों रोगों के लिए है। आप तो आजमा चुके हैं और आप तो मेरी बराबर इल्म रखते हैं और आप मुझसे बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, और शैलजा भी आपकी बातचीत को बहुत तारीफ़ करती है। चैनल पे तो इनको बनाएं तारीफ़ ना करें ज़्यादा आपकी, बस मैं ही करूं, लेकिन ये पीछे आपको बहुत पसंद करती है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हकीम साहब, ऐसे मैं भी कावेरी जी की बात में बहुत ज़्यादा खो गई थी, लेकिन सवाल एक और था, इनको प्यास कम लगती है और इनकी कोई दवाई चल रही है? मैं जी मैं भी भूल गया था बाबा, आपकी बातों में सब खो जाते हैं। प्यास किसी को कम लगे तो पान जो है ना, पान ये तो पान खा लें, कत्था चूना मत लगाएं, चाहे ऐसी पान खा लिया करें, पान की जड़ मिलती है, पान की जड़ को मिलती है, उसे खुलंजान कहते हैं, खुलंजान पान की जड़, तो वो थोड़ी सी मुँह में रख लें। या पान की डंडी जो होती है जिससे पान पकड़ते हैं ना डंडी, वो मुँह में रख के चबा के खा लें, या एक लौंग खा लें तो खूब प्यास लगती है, या फिर ये गोंद चिलगोज़ा खा लें उससे भी बहुत प्यास लगती है, खुश्क हो जाता है गला। अपना पानी का जो मकदार है वो अगर पूरी करें तो फिर हमारे जिस्म से वो पानी गुजरता है हर जगह से और उसको बिल्कुल साफ सूफ कर देता है, फिर पेशाब के रास्ते वो पानी निकल जाता है। पानी 2-3 लीटर ज़रूर पिया करें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सागर से हैं बबीता जी, स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैम। जी नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। जय हिंद जय हिंद। से बात कर रहे हैं, वो तो बात कर चुके हैं दो बार। हमारे 3-4 क्वेश्चन है भाई। जी क्या जी, हम जैतून का नमक ले रहे थे तो हमें बहुत ज्यादा फायदा हो गया है। अच्छा। और गोंद मोरंगा भी खा रहे हैं, उससे भी फायदा है, हमारे चेहरे के भी मसे से हट गए हैं। अब ये रहता है हमें कि हरारत बनी रहती है हमें, जब देखो 8-15 दिन में बुखार सा लगता है, और बहू को जो दवा दे रहे हैं उससे भी बहुत ज्यादा फायदा है। बहू से हम बहुत परेशान हो गए थे, कुएं में गिर गई थी, इतना ज्यादा तंग आ गए थे हम उसको, और उसकी दवाई जिंदगी भर कह रहे हैं डॉक्टर साहब चलने के लिए, तो कैसा करेंगे? अभी कितने दिन हुए हैं उनको दवा खाते हुए और क्या तकलीफ है? वो मानसिक रोग बताया था उनको, तो उनके तो हम 2 साल से दवाई कर रहे थे अंग्रेजी दवाई, लेकिन हमने जब से आपकी दवाई की है जब से वो हमारे घर का काम हम करने लगी है, फिर भी बहुत फर्क आ गया है। उसको पहले करंट भी लगते थे, उसको बहुत ज्यादा मानसिक हो गया था, यहाँ लेकिन अब तो ठीक है। और उन्हीं की लड़की है 1-8-10 साल की, तो वो लेटरिन रोक के रखती है, लेटरिन ही जाती है 4-4, 6-6 दिन। और हमारे पास कलौंजी प्रास रखा हुआ है,
उसका भी बता दीजिए आप क्या करेंगे। एक पी केयर रखा है और हमारे बालों के लिए बताइए, मतलब बाल तो अच्छे बढ़ गए हैं फिर भी झड़े ना काले रहे बाल, छोटे छोटे पांच नाती नातन है, ये वायरल फैला है, क्या दे देंगे अच्छे रहे वो सब। और आप सबकी उम्र तो बताते, हमारी उम्र बताइए ना आप आवाज से। आपकी उम्र 65 से 66 साल हो सकती है, बताइए कितनी उम्र है आपकी। सब लोग कम बता देते, आपने तो ज्यादा बता दी। कितनी ज्यादा चल बन पा रहे हैं, 55 से हैं, लेकिन सब लोग हमारी उम्र को देख के 40 साल कहते हैं। नहीं अच्छा देखिए, देखूं अगर आपको तो पूरा अंदाजा हो सकता है, और औरतों में उम्र का बड़ा चक्कर होता है, जो ज़्यादा बताता है उसको अच्छा नहीं समझते, जो कम बताता है उसको बहुत प्रेम मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। और 5 साल का या 10 साल का फ़र्क के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे ये आवाज़ का अंदाज़ा है, आवाज़ आपकी वो है तो आवाज़ का अंदाज़ा है, और वो गलत भी हो सकता है। माफ़ी चाहता हूँ, आपकी उम्र मैंने बहुत ज़्यादा बता दी, आप तो मुझसे भी छोटे हैं। बहरहाल जिसकी 8-10 साल की नाती पोते हो तो उसकी उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर घर वाले जल्दी शादी कर दें तो ये होता है कि जल्दी बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। वही संजीव कुमार की फिल्म शोले में जो कह रहा था कि मैं नाती पोते वाला हूँ, और ठाकुर साहब आप इतने तो उम्र के नहीं लगते, गांव में जल्दी शादी हो जाती है और फिर जल्दी बच्चे हो जाते, तो वही हो जाता है। बहरहाल आपको बहुत मुबारक, आपके सबको फ़ायदा, बहू को फ़ायदा, बहू को दवाएं देते रहे। देखिए रिस्क नहीं ले सकते, और ये यूनानी यानी आयुर्वेदिक दवाएं अगर असली हैं तो नुकसान नहीं देती, काम भी करने लगी। बच्ची कुएं में गिर गई थी और इसका मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है, और आपको भी फ़ायदा है, जब तक डॉक्टर कहें दवा लिया करें। और बस आप छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे लिए दुआ किया करिए और ये नुस्खे लोगों को पहुंचाया करिए। ये एक सेवा है जो जिसका कोई मोल नहीं है, इसका मोल आपको मिलेगा जब भगवान से जाके हम मिलेंगे। मौत तो सबको आनी है, चाहे आप छोटे हों या बड़े हों, मुझे भी आनी है। जब हम भगवान के पास जाएंगे तो जब हमारे पाप ज़्यादा होंगे और पुण्य कम होंगे, तो दो पड़लों में इधर पाप रख दिए हमारे, इधर पुण्य रख दिए, अब पाप का पड़ला भारी हो गया, अब क्या करें, ये तो नरक में डालने वाले, तो फिर और देखेंगे और तो कुछ पुण्य नहीं है, और कुछ नेकियां तो नहीं है, तो वो पता चलेगा इस औरत ने या इस आदमी ने वो लोगों की सेवा भी की थी, उसके पुण्य मंगाओ, अब इसने लोगों की रोग ठीक किए थे, लोगों तक बात पहुंचाई थी, तो वो जब आएंगे पुण्य और इस पड़े में रखेंगे तो पाप का पड़ला ऊपर उठ जाएगा और पुण्य का पड़ला नीचे गिर जाएगा, चलो इसको स्वर्ग में डाल दो। तो ऐसे काम ज़रूरी हैं हर शख्स के लिए, आप भी किया करिए, मुझे भी करने हैं, सबको लोगों तक फ़ायदा पहुंचाना है। जैसे भगवान ने आपको तकलीफ से निजात दी, आप दूसरों को निजात दीजिए, भगवान आपको आसमान पे जब हम उसके पास सामने हाथ जोड़ के पेश होंगे, हम सब गुनाहगार लोग हैं, तब ये पुण्य बड़े काम आएंगे। जी सवाल हकीम साहब, 8 साल का बच्चा है जो इमोशन को रोक के रखता है, जब वो एक चुटकी नमक जैतून 1 लीटर पानी में मिला दें और इस पानी को मीठा कर दें जैसा वो पसंद करता हो, जो जिस तरह का शरबत वो पसंद करता हो वैसा शरबत बना दें, और इसको कहें कि पूरे दिन पीता रहे, सुबह से शाम तक मैं ये ख़त्म कर लिया करे, उसका पेट का निज़ाम ही अच्छा हो जाए, सिस्टम अच्छा हो जाएगा। आपके पास नमक जैतून है असली, ज़रूर दें,
तो धीरे धीरे उसकी ये परेशानी अच्छी हो सकती है। जी, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए इन्होंने ये भी जाना है कि बाल काले हमेशा कैसे रहें और सेहत कैसे बनी छोटे रहे। बच्चों के तो काल बाल काले ही होते हैं। इन्होंने अपने बालों के लिए कहा था, बाल तो आपके उगने लगे हैं, थोड़ा स्पीड नहीं आती इस उम्र में, तो कुछ दिन और ये नुस्खा आप लें जो ले रहे हैं बालों के लिए, गॉन मोरिंगा, और बस खुश रहा करें। हमारी गलतियों को माफ़ी के साथ बहुत धन्यवाद आपका।